नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @StudyForCivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं अस्कित त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और स्वास्थ्य खराब होने की वजह से डिसकंटिन्यू हो गई थी सीरीज, आप टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। कल भी कमेंट बॉक्स में मैंने कमेंट देखा कि पुराने टॉपिक्स कैसे मतलब कवर किए जाएंगे, तो आप रेगुलरली देखिए। आज भी जो हम टॉपिक्स देखने जा रहे हैं कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होता है, तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वो आपका नहीं छूटेगा, इतना विश्वास हमारे साथ बनाए रखिए। और लगातार सीरीज को फॉलो करके जो पुरानी चीजें थी उसको आप एक बार रिवाइज तो करते, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे, ठीक है। और अब बहुत जल्द जो है मॉर्निंग वाले टाइम पे 10 बजे 11 बजे जो है आपका वीडियो जो है डेली अपलोड हो जाया करेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और जो हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ये जो रिसोर्सेज हैं वो उसके बारे में डिस्प्ले हो रहा है कि जो सारी न्यूज आर्टिकल्स हैं वो लीडिंग गवर्नमेंट की वेबसाइट्स और जो न्यूज पेपर्स होते हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सीरीज है ये। तो आप लोग इसको रेगुलर निरंतर फॉलो करें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। तो आइए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे हम लोग, ये जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ वगैरह के पिक्स के लिए और इंस्टाग्राम का पेज भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर जो टॉपिक है पहला और दूसरा, ठीक है ना। अब ये देखिए दोनों जो है क्या ये आपकी सोशल सिक्योरिटी, जो वल्नरेबल ग्रुप्स पढ़ते हैं हम, वंचित वर्ग पढ़ते हैं, उनके लिए जो वेलफेयर का जो कल्याणकारी आयाम है उसको इंप्लीमेंट कौन करेगी, तो गवर्नमेंट करेगी। तो उसी से संदर्भित है क्या ये आपका जीएस पेपर 1-2 दोनों में आएगा, ठीक है। अब सामाजिक अधिकारिता शिविर है और स्माइल स्कीम, इसको देखेंगे हम लोग। कहीं एल्डरली पीपल की बात हुई है, कहीं बैगर्स की बात हुई है, कहीं पर बात हुई है ट्रांसजेंडर्स की, तो ये सब कौन है, ये सब कौन है वल्नरेबल ग्रुप्स में, हमको पढ़ना ही है इनको, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये आपका सोशल इशू, आपको यही एड्रेस करना है बनने के बाद। प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे लेकिन उसका बेसिस क्या है आपका, यही है, ठीक है। उसके बाद आप एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बताइए इस पे अगर आपको लिखना हो, कितनी बार हमने चर्चा की है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तभी तो आप डबलिंग करेंगे फार्मर की इनकम में, उसकी जो कृषक की एक आय है उसको दुगना कैसे करेंगे, उत्पादकता को बढ़ाना। अब उत्पादकता में बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि हर खेत को पर क्रॉप मोर ड्रॉप, मतलब पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना। उसको मतलब क्या कि वाटर का जो यूज हो रहा है, जल का जो वहां पर उपयोग हो रहा है, उसको किस तरीके से उत्पादक बनाया जाए कि उससे ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादकता वहां पर जो है हम ला सके। उसके बाद आप देखेंगे तो प्रिसीजन फार्मिंग की बात है, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो रही है ना, ठीक है। ये सब चीजें हो रही, किसान जो है आपका कॉल सेंटर चल रहा है, ठीक है। फिर हम मंडी में भी सुधार कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस लिए है, एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। क्यों है, क्योंकि 50% से ज्यादा जनसंख्या क्या आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जिसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक। तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक हो गया, जीएसटी पर थर्ड में रख लीजिए। इसके बाद ये क्या है, ये भी तो वही है, फॉरवर्ड मार्केट लिंकेजेस और बैकवर्ड मार्केट लिंकेजेस। कि आप मान लीजिए कि किसी कृषक ने उत्पादन बहुत अच्छा कर लिया, अब वो उत्पादन अगर मार्केट तक ले जाने के बाद उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उसको वहां पर स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, अगर मार्केट तक पहुंच भी गया तो वहां पर उसको उपयुक्त वहां पर आय नहीं हो रही है, उसको उपयुक्त कीमत नहीं मिल रही है ना। तो उसको क्या करने के लिए, विनियमन करने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एपीएमसी, इसी के बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं ई नैम में, जहां हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करते हैं, स्पॉट मार्केट की बात करते हैं, ये सारी चीजें मैंने कई बार आपसे डिस्कस की है लगातार, ठीक है। इसको देखेंगे हम थर्ड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद नेशनल रेल प्लान है, इंडिया का 2030 का विजन है, इसमें फ्रेट जो है आपका एक डायमेंशन की जो माल वाहन जो माल को इधर से उधर ले जाया जाता है जिसको हम फ्रेट कॉरिडोर बोलते हैं, तो जो
वो किया जा रहा है उसको कम समय में कम लागत में किया जा सके, ज्यादा स्पीड से पहुंचाया जा सके और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो वहां पर बोल रहे हैं कि यहां पर क्या करना है, चाहे पैसेंजर वाला डायमेंशन हो चाहे माल वाहन का जो है आपका मालवाहक जो आपका आयाम है वो डायमेंशन हो, दोनों पे हमको वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और यहां पर ट्रिपल पी पार्टनरशिप की भी बात की गई है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा जीएस पेपर थर्ड में। तो पहला जो टॉपिक है इसमें देखिए सीधा सा टॉपिक है कि ये सामाजिक अधिकारिता शिविर है, ठीक। अब ये कौन करेगा, तो मिनिस्ट्री भी आपको पता है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने लॉन्च किया सामाजिक अधिकारिता शिविर, ठीक। और एक इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी, मोबाइल मतलब जो चल के पहुंच सके आपके साथ आपके पास मोबाइल, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड मोबाइल सर्विस डिलीवरी वैन किनके लिए बनाया है, दिव्यांग जन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक। कॉन्टेक्चुअल पार्ट है। अब इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो आपकी सामाजिक अधिकारिता शिविर है वो करेगा क्या, तो भैया डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैसे डिवाइसेस को, किस तरीके की सहायता वो दिव्यांग जन को दिलाएगा। तो दिव्यांग जन जिस वंचितता के कारण एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं तो उनको वहां पर सहायता करने के लिए उस तरीके के डिवाइसेस को ये क्या करेगा वहां पर उपलब्ध कराएगा, किस संदर्भ में, एडीआईपी स्कीम के अंतर्गत। और सीनियर सिटीजन को किस स्कीम के अंतर्गत, जो आपकी राष्ट्रीय वयोश्री योजना है ये अभी अभी लॉन्च हुई है आपकी, एडीआईपी तो 1981 की है और राष्ट्रीय वयोश्री जो योजना अभी का मतलब 2017, ठीक है ना। करंट अफेयर्स में दो चार साल दस साल की घटनाओं को देखा जाता है, ये नहीं कि मंडे चल रहा है तो संडे की न्यूज छूट गई तो हमारा करंट छूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई भी जो टॉपिक इवॉल्व होता है सिविल सर्विस में वो धीरे 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 वो टॉपिक बनता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं फिर एनालिसिस होता है फिर वो सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका शिविर है ये आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहां पर, तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो वहां की जो आपकी मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके द्वारा सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया जाएगा। नॉर्मल सा फैक्ट है एमपीपीसीएस के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया स्टेट पीसीएस के लिए। उसके बाद और कॉन्टेक्चुअल पार्ट है तो स्टेट पीसीएस के लिए कहीं भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछता है, बना भी दे स्टेटमेंट तो हमको एक बार देख जाना है। इसके बाद एडीआईपी जो है स्कीम के अंतर्गत यहां पर बताया जा रहा है, ठीक। अब विकलांग व्यक्तियों के लिए है, दिव्यांग बोलेंगे हम उनको, उनको नया नामकरण किया गया हमारे यहाँ तो दिव्यांग बोलेंगे, ठीक है। तो दिव्यांगों को उस तरीके के असिस्टेंस देना जिससे वो नॉर्मल लाइफ जी सके, क्योंकि उनमें कोई जो आपका फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण वो डिसेबल्ड है तो उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने में जो आपके मान लीजिए एजुकेशन उनको प्राप्त करना है, उनको रोजगार प्राप्त करना है या उनका पुनर्वास कराना है तो उनका वेलफेयर का पूरा काम किसका, गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही जो डिवाइसेस है उनको वो उस तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, एडीआईपी स्कीम स्टार्ट की गई थी 1981 में, इसका ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्संस को असिस्ट करना, ठीक है। और उसके साथ उससे होगा क्या उनका, तो जो उनके शरीर में कोई अक्षमता है जो वहां पर विकलांगता है उसके प्रभाव को कम किया जा सके और उनको फिजिकली सोशली और जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम रिहैबिलिटेट कर सके, उनका सशक्तिकरण कर सके जिसके द्वारा उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो और अल्टीमेटली वो एक अच्छा जीवन स्तर का क्या कर सके, उपभोग कर सके और अच्छा जीवन यापन कर सके। इसके बाद राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करेंगे तो ये भी मिनिस्ट्री सेम है आपकी और लॉन्च की गई 2017 में, इसलिए मैंने बोला ये अभी की स्कीम है आपकी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपकी। देखिए सेंट्रल सेक्टर होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब किसी रेशियो में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर फंडिंग कर रही है, लेकिन अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो फुल्ली फंडेड होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दो तरीके की स्कीम होती है, बाइफर्केशन मैंने आपको बता दिया, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स पे, पता होना चाहिए हमको। अब यहां पर भी क्या किया जाएगा, तो भैया यहां पर सीनियर सिटीजंस को असिस्टेंस देंगे हम, उस तरीके के डिवाइसेस बनाएंगे जिससे अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है एज के कारण, कोई उनके अंदर कोई अक्षमता का विकास हुआ है तो उनको असिस्टेड करेंगे हम, असिस्ट करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, वैसे लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करा के और फिजिकल एड्स वगैरह भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन हैं और कौन से ऐसे जो एल्डरली पीपल्स हैं जो बिलोंग करते हैं बीपीएल कैटेगरी को, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बीपीएल के बारे में बताइएगा जरा कि ये कंसेप्ट आया कौन सा है, कहां से है, लकड़ा वाला कमेटी है, गरीबी अभी भी आई कहां से है, कितनी कमेटीज है, उन्होंने क्या क्या अपने मेन मेन पॉइंट्स बताए थे, ये कमेंट बॉक्स में बताया करिए, उसी से हम लोगों को यहां पर मोटिवेशन मिलता है हमको और
हमारी पूरी टीम को, ठीक है ना। और लगातार हमारे एक कोर्सेज चल रहे हैं यूपी बीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, है ना। तो आप उनको एक बार देखिए जरूर, और हो सके तो उनको ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहां बनाया जाता है उसको, और उसकी प्रोडक्टिविटी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कीम बताया जा रहा, तो सीधी बात है, आप इंपॉर्टेंस बताना है तो पहले हमको बताना पड़ेगा कि इतनी पॉपुलेशन कितनी है भैया जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन की अगर पॉपुलेशन की बात करें 2011 के हिसाब से तो 10.38 करोड़ है, मतलब। और दूसरी चीज, इसमें से जो 70% पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन्स की, वो कहां पर रहती है? रूरल एरियाज में। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो जो साइजेबल परसेंटेज है 5.2% जो है इनकी पूरी जनसंख्या में से, वो किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, है ना, जो ओल्ड एज के कारण प्रॉब्लम्स आती। दरअसल आप आश्रित जनसंख्या की बात करेंगे, है ना। तो कब होता है आश्रित व्यक्ति? जब बच्चा होता है या वृद्ध होता है। बीच में तो जो है उसको हम बोल देते हैं कि ये आश्रित नहीं, ये तो क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत बोलते हैं। तो 59 के बाद के लोगों को हम आश्रित मानते हैं, जो वयोश्री जिसको बोला जा रहा है, या वृद्ध जन या एल्डरली पीपल बोला जा रहा है, या 15 साल से छोटे बच्चों को बोला जाता है। इसलिए 15 से 59 वालों को हम कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हर जगह आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो अब यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो प्रोजेक्शन है यहां पर कि लगातार पॉपुलेशन जो है एल्डरली पीपल की बढ़ेगी, जो 173 मिलियन हो जाएगी 2026 तक, इसलिए इसको एड्रेस करना हमारे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि भैया इसके अंतर्गत ये जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की गई है, तो इनको इस तरीके की जो सहायक, जो आपके जीवित उपकरण है ना, शारीरिक सहायता प्रदान करना है किसको? वरिष्ठ नागरिकों को, जो आयु से संदर्भित किसी दुर्बलता से पीड़ित है और वो बीपीएल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? तो सीधी बात है कि जो जिनमें किसी तरीके की एज रिलेटेड डिसेबिलिटी आ गई है ना, और वो आपके कहां पर है, बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको यहां पर जो है क्या किया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, ताकि वो सामान्य जीवन यापन कर सके। इसके बाद साइलेंट फीचर बता रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिवाइसेस सब बिल्कुल होगा। उसके बाद मल्टीपल जो डिसेबिलिटी है उसको भी वहां पर एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो एलिमको है वो आपका 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा इन डिवाइसेस के लिए, जो भी लिविंग डिवाइसेस है। इसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो आपके लाभार्थी हैं या बेनिफिशियरीज हैं, उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी और यूटी करेगी, और एक कमेटी के थ्रू करेगी। उस कमेटी को जो चेयर करेंगे वो डीएम करेंगे, जो आप लोग बनने जा रहे हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपके यहां पर बोला जा रहा है कि यहां पर जो देखिए वुमेन्स 1/3 आप हर जगह देखेंगे, रिजर्वेशन बोल लीजिए या उनको उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, तो यहां पर यह कंपलसरी है कि प्रत्येक जिले में जहां तक संभव हो कि 30% जो बेनिफिशियरीज हैं वो वुमेन्स होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही वल्नरेबल हैं, ऊपर से एल्डरली हो गई, वो आश्रितता के संदर्भ में चली गई तो और समस्या से ग्रसित हो गई, तो वो जरूरी है, इसलिए ऐसा किया गया। इसके बाद स्माइल स्कीम की बात की जा रही है, ये आपकी वेलफेयर स्कीम है। किसके लिए वेलफेयर है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और बैगर्स के लिए। यहां पे नालसा जजमेंट वगैरह लगातार आपने देखा होगा, ये न्यूज में था ट्रांसजेंडर। हमारे यहां समस्या ये है कि पूरे विश्व में जो ट्रांसजेंडर्स के संदर्भ में डेफिनेशन है, जो वहां पर सबसे बड़ा उनको राइट्स दिया गया है, तो उसमें बोला जाता है कि वो जो आइडेंटिटी है, ट्रांसजेंडर बोलते किसको है पहले ये समझिए, कि जो व्यक्ति जिस लिंग में जन्म लेता है, जिस जेंडर में, धीरे धीरे उम्र में जिस तरीके से वृद्धि होती है, जिस तरीके से वो बड़ा होता है, तो उसके जो क्रियाकलाप है, जिस आइडेंटिटी में उसने जन्म लिया उससे मैच नहीं करते, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर, ठीक। आप समझिएगा, इसको बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल और बहुत सारी चीजें, आप इस तरीके से समझिए। तो ये जो आइडेंटिफाई करना है कि भैया मैं किस जेंडर में हूं, ये अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए, ये हमारे यहां नहीं था। अब हमारे यहां अभी कोई बिल आया है क्या? कुछ नई चीजें हुई है कि पिछले 2-4-5 साल में आप लगातार देखेंगे कि जजमेंट्स वगैरह आए हैं और उसमें बहुत सारे जो है इनके अधिकार अब सुनिश्चित भी किए गए हैं, ठीक है। तो उसी का एक ये अगला स्टेप है, ठीक है। तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और बैगर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहां ये जो है बहुत बड़ी आबादी जो है भिक्षा पर निर्भर है, अब उसका एक साइड इफेक्ट भी है, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे हम, तो ये स्माइल स्कीम इसके लिए जो है वो लॉन्च की जा रही है किसके द्वारा? अब ये सामाजिक अधिकारिता वाला ही तो आएगा, आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता डिपार्टमेंट ही तो आएगा, उसी ने लॉन्च किया। अच्छा, स्माइल कैंपेन किसी से संदर्भित है क्या? जो आपका किसी से संदर्भित है क्या, बताइएगा जरा, है ना, वहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, कहीं और भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है ना, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब यहां पर जो डिपार्टमेंट है इसने जो लॉन्च किया है, ये भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसका फुल फॉर्म लिखा गया है कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, मतलब सीमा के अंत में बैठे हुए इंडिविजुअल्स, फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइजेस,
ठीक है ना। अब ये अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है ना, ये वेलफेयर करेगा, है ना, और किसका करेगा, तो भैया जो बैगिंग के क्षेत्र में, जो भिक्षावृत्ति के क्षेत्र में लोग संलग्न है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से संदर्भित है। इसके बाद ये स्ट्रेंथन करेगा, एक्सपेंड करेगा उनके राइट्स को, सीधी बात है। अब क्या ये रटने की जरूरत है, इनके अधिकारों को ये प्रदान करेगा, ठीक है ना, और जो लक्षित ग्रुप होगा उसी को तो हम लक्ष्य कर रहे हैं ना, यहाँ पर कोई टारगेटेड ग्रुप है हमारा, जैसे यहाँ पर बैगिंग में जो आपके इंडल्ज हैं लोग, है ना, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से संदर्भित जो लोग हैं, है ना, तो उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और सिक्योर्ड लाइफ भी प्रोवाइड करेगा, और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक कल्याण, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वो राज्य का ही कर्तव्य है कि नहीं है, डीपीएसपी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, उद्देशिका में भी यही उद्देश्य हमारा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट का फॉर्मेशन, तो वही उसी को ये क्या कर रहा है, यहां पर कैटलाइज कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर ये भी रखा जाएगा दिमाग में कि भैया जो सोशल सिक्योरिटी है उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाए, है ना, जैसे कि आइडेंटिटी, मेडिकल केयर, एजुकेशन, जो आपकी व्यावसायिक, जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अवसर हैं, उनको भी वहां पर क्या करना है, मोबिलाइज, उनका भी दोहन करना है, शेल्टर भी प्रदान करना है। ये स्कीम 2021-22 से 25-26 के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके की चीजें रेगुलर प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। इसके बाद जो है, इसमें जो है दो सब स्कीम्स हैं, वो भी देख लेते हैं हम लोग, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन, देखिए नाम से ही समझिए, समग्र पुनर्वास की बात कर रहे हैं, जिसमें वेलफेयर किया जाएगा ट्रांसजेंडर पर्सन का। इसके सब स्कीम्स की बात करें तो स्कॉलरशिप देंगे ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को, जो 9th से लेके आपकी टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तक होगी, ठीक है ना, उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए, ठीक। अब जो लोग मतलब ऐसे हमारे यहाँ सामाजिक रूढ़िता, सामाजिक कलंक समझ लीजिए, ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति के साथ हो गई तो बेचारा वो हर जगह से एक्सक्लूड हो जाता है, एक्सक्लूजन हो जाता है, उसका इंक्लूजन नहीं होता, एक्सक्लूजन हो जाता है पढ़ाई से, रोजगार से, फिर उन लोगों के क्या करते हैं कि उन लोगों को भिक्षावृत्ति या क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो संलग्न हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके पीछे, तो इसलिए स्कॉलरशिप देके उनको शिक्षा देंगे। और किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छी शिक्षा दे दी जाए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी जाए, उसके बाद स्किल दे दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा, वहां से कनेक्ट करिए इसको, ठीक। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड की बात की जाएगी, किसके अंतर्गत, जो पीएम दक्ष स्कीम अभी कवर किया हमने मंथी, ठीक है ना, ठीक है। अब यहां पर जो है इसको ले जाएगा, इसके बाद शेल्टर होम्स, गरिमा गृह के रूप में जो स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, वो वहां पर उनको शेल्टर वगैरह दिया जाएगा, फूड, क्लोथिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट वगैरह कराया जाएगा, मेडिकल सपोर्ट, बहुत सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद यहां पर ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल भी बनाया जाएगा, जो आपके मॉनिटर करेंगे सारे स्टेट्स में जो उनके खिलाफ क्राइम वगैरह केसेस वगैरह ऑफेंसेस वगैरह होते हैं, और वहां पर टाइमली जो है जो भी उनका वहां पर विवाद होगा उसका विवाद जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म, उसको स्पीडी मतलब टाइम बाउंड मैनर में किया जाए, है ना, और इन्वेस्टिगेशन किया जाए, उनके केस को फाइल किया जाए, जल्दी से जल्दी उनको न्याय प्रदान किया जाए, इसलिए इसको सेटअप किया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा सब पार्ट है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन है, जो बैगर्स के लिए है, उनको लिए भी सेम चीजें, सर्वे करें पहले तो, आइडेंटिफाई करें यहां पर कि भैया कौन कौन लोग संलग्न हैं, फिर उनको जो है उस क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। अब एक बार जब आपने उस भिक्षा के संदर्भ में जो लोग भिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं उनको आपने निकाल लिया, तो उनको कहीं ना कहीं तो आपको रोजगार देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो उनको फिर उस तरीके की सुविधाएं कि शेल्टर होम बना दो, है ना, उनको एजुकेशन दो, उनके चिल्ड्रंस को एजुकेशन दो, जो एज में ज्यादा है उनका स्किल डेवलपमेंट करा दो, ताकि उनको रोजगार का अवसर मिले, तब तो जीवन यापन कर पाएंगे वो, और उसके बाद उनका व्यापक पुनर्वास भी कराया जाए। यहां पर काउंसलिंग वगैरह की भी जरूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि यहां पर जो भी लोग होंगे उनका फिर वहां पर क्या किया जाएगा, समग्र रूप से उनका जो है पुनर्वास किया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल जो है आपका एस्पेक्ट में, नॉर्मल सी चीजें हैं, देख जाइएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट करना है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब देखिए, अभी लगातार हम पढ़ते जा रहे हैं, ड्रोन का यूज करेंगे हम, है ना। अब आप देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो वहां पर जो है आपका, बताइए जरा, जीआईएस जीपीएस का यूज नहीं हो रहा है, कलर से पता नहीं चल रहा है कि कहां फसल खराब हो रही है, कहां नहीं हो रही है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज है, आईसीटी का यूज नहीं हो रहा है क्या, किसान कॉल सेंटर। अब यहां पर क्या है, जागरूकता अभियान है, जागरूकता, जब किसानों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता होगी, मार्केट के बारे में जागरूकता होगी, तभी तो उनका सशक्तिकरण होगा, इसी का तो फायदा उठाते हैं बिचौलिए, हाँ ठीक है,
ठीक है, तो ये जो है किसानों को जागरूक बनाने के लिए इस तरीके की डिजिटल प्रौद्योगिकी को यूज करने की बात की जा रही है, जिसके द्वारा किसानों की आय को दुगना करना है। 2022 तक का प्रोग्राम था, 22 तो आ गया, देखिए किसकी किसकी दुगनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली किसी चीज में चेंज होता है, कहीं पर जो है इंस्टेंटेनियसली जो है इंपैक्ट नहीं होता है कभी भी। ठीक, अब यहां पर जो है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा किसको, हमारी फार्मिंग को, स्मार्ट फार्मिंग को हम यहां पर अडॉप्ट करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मॉडर्नाइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर में और ऑर्गेनाइज करेंगे कि किस तरीके से रूरल इंडिया परफॉर्म करे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। अब इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो डिजिटल, अब ये सब इंपॉर्टेंट है ना, एक एक लाइन में लिखना होता है इनको बस हम लोगों को अपने नोट्स में, डिजिटल एग्रीकल्चर जो मिशन है 2021-25 तक का, उसका उद्देश्य है सपोर्ट करना, ठीक है, और एक्सेलरेट करना है ना, उसमें एक्सेलरेट करना जो प्रोजेक्ट्स हैं जो किस पर बेस है, टेक्नोलॉजी में। अब देखिए आने वाले टाइम पे कोविड के बाद जो आपकी इकोनॉमी में क्रंच आया है कोविड के टाइम पे, तो हम बोल रहे हैं कि अगर वापस से उस वृद्धि दर को हमको अचीव करना है तो उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज में हडूप, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो GIS वगैरह है, ड्रोन का यूज करना, रोबोट का यूज करना है ना, तो इन्हीं सबको यूज करना है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत भी। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है जो कि भैया गवर्नमेंट जो सुविधाएं दे रही है उसके बारे में जो जानकारी है और जो सुविधा हो, जो सर्विस डिलीवरी कर रही है, वो भी तो आपका कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। तो वहां पर हम ई गवर्नेंस का बात करते हैं, तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है हमारा, उसमें जो है एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में भी वहां पर इसको एम्बेडेड करना है और ICT का यूज करके वहां पर टाइमली एक्सेस देना है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है फार्मर्स को, जब सूचना उनके पास पहुंचेगी तभी वो जागरूक हो पाएंगे। इसके बाद एम किसान पोर्टल है, किसान सुविधा है ना, सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम है, मास मीडिया सपोर्ट है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, किसान कॉल सेंटर्स हैं, एग्री क्लिनिक्स हैं, एग्री बिजनेस सेंटर्स हैं, बोला जाता है ना फार्म टू लैब, मतलब जो साइंटिस्ट हैं आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका भी इंटरेक्शन किसान से होना चाहिए कि भैया आपकी सॉइल जो है, हमें एक ही चीज जानते हैं, NPK उठाया हमने और डाल दिया, वही फर्टिलाइजर डाल दिया, वही उर्वरक डाल दिया, ये नहीं देखा कि हमारी सॉइल किस टाइप की है, लाल जो रेड सॉइल है कि रेड येलो सॉइल है कि ब्लैक सॉइल है, यहां पर किस चीज की जरूरत है, तो इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना, वहां पर साइंटिफिक अप्रोच बनाना, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लिखा है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात हो गई, हम कृषि का मतलब यही समझते हैं अनाज उगाना, वहां पर मांस वगैरह का भी आ जाता है, मुर्गी पालन भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, सारी चीजें आती है, इसमें जो है लगातार इंडिया का परफॉर्मेंस बढ़ रहा है जिसमें नॉर्थ ईस्ट का जो है पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो आपकी ICAR है उसने 729 जो है कृषि विज्ञान केंद्र को एस्टैब्लिश किया है पूरी कंट्रीज में, है ना, वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर जो साइंटिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, वो जो है इन्वॉल्व होते हैं फार्मर्स के साथ, है ना, और उनके उनको जो है वहां पर सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है ना, स्पेशली ये आपके किसके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो वहां से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, बढ़ेगी क्यों, क्योंकि वहां पर वैज्ञानिक जो है आधार हम अपना रहे हैं कृषि में, तो परंपरागत तरीके से निकल के नए तरीकों को अपनाएंगे, टेक्नोलॉजी को वहां पर संप्रित करेंगे, एम्बेडेड करेंगे, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी आपकी एनहांस हो जाएगी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, सीधी बात है, मैं बार बार बात करता हूं कि अभी भी 50% से ज्यादा लोग डायरेक्टली इंडल्ज है कहां, प्राइमरी सेक्टर में, तो भैया उनका अगर आप विकास नहीं करोगे तो कहां से देश में सतत विकास, समावेशी विकास होगा, सीधा सीधा वही फंडा, अब उसी को पूरे पैराग्राफ में लिख दिया कि भैया जो लेटेस्ट सेंसस का डेटा उसमें बता रहे हैं 68.8% जो टोटल पॉपुलेशन है और 72.4% जो वर्क फोर्स है जो रहता है आपका रूरल एरियाज में, है ना, वो यहां पर इंडल्ज है। फिर मोर देन, यहां पर सिर्फ एक डेटा याद रखिए जो इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होगा डेटा, ऐसा रखना चाहिए जो हमेशा आंसर में हम यूज कर पाए, है ना, किसी को दिखाने के लिए इनके हमको इतना डेटा याद है कोई मतलब नहीं है, है ना, कोई मतलब नहीं है। 50% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसमें, प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, आजीविका के लिए बोल रहे हैं, सीधी बात है, तो इनका अगर सशक्तिकरण नहीं हो गया, इनका अगर जीवन स्तर अच्छा नहीं हुआ तो कहां से देश का सतत और समावेशी विकास होगा। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो आपका प्राइमरी सेक्टर है उसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो उसका सीधा सा इंपैक्ट आपके दूसरे सेक्टर से पड़ता है ना, और सामाजिक आर्थिक कंडीशन में, और अभी आप देख रहे हैं
हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कई सारे किसान आंदोलन देखा होगा आपने, और आप देखेंगे कि विदर्भ वाले एरिया में लगातार आत्महत्या वगैरह की भी समस्या आप देख रहे हैं, क्योंकि सैचुरेशन आ गया। पंजाब हरियाणा के किसान भी अब परेशान है ना, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका लिंकेजेस और भी सेक्टर से है, इंडस्ट्री से, ट्रेड से, सर्विसेज से, तो सब पर जो है उसका इंपैक्ट सीधा सीधा पड़ता है। अब इसमें बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर है, टी है, टेक्सटाइल है, पेपर है, फूड प्रोसेसिंग है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है इनपुट के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में सीधी बात है चाइना ने जैसे डेवलपमेंट किया, तो पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। हमारे यहाँ प्राइमरी से सीधे हम टर्शरी में आ गए, है ना। जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो औद्योगिक क्षेत्र जिसको आप विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, है ना, जो आपका इंडस्ट्री वाला जो सेकेंडरी सेक्टर है, वहां पर हमारे यहाँ प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसी को तो बोलते हैं हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आप समझ में आया आपको संरचनात्मक क्या मतलब क्या कमी है हमारे यहाँ डेवलपमेंट में, है ना। तो उसी को हमको क्या करना है, एड्रेस करना। अब यहां पर बोला जाता है कि जैसे और भी उद्योग हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, कृषि मशीनरी वगैरह है, तो यहां पर भी जो है इसके लिए भी ये जो है आपका एक, ये सब भी तो डिपेंडेंट है ना इस सेक्टर पे, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। इसके बाद यहां पर बोला गया है कि लगातार हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग में, जो उत्खनन भी इसी के अंतर्गत आता है और माइनिंग भी, ये याद रखिएगा, कभी प्रीलिम्स बन जाए तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये इंक्रीज हुआ है आपका, लगातार इसमें इंक्रीमेंट देखा गया है, 151 करोड़ था 1950-51 में, है ना, जो अब कितना हो गया है वो 23-25 करोड़ हो गया 2020-21 में। डेटा याद करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिएगा कि लगातार इंक्रीज हुआ, हरित क्रांति वगैरह हुआ है उसके बाद, है ना, ठीक है। हम आत्मनिर्भर हुए, पहले तो हम सेल्फ सफिशियंट भी नहीं थे ना, मतलब आत्मनिर्भर भी नहीं थे पहले, PL486 जहां जाता था हमारे अमेरिका अमेरिका से, ठीक है ना, तो ठीक बात है। अब यहां पर हम आत्मनिर्भर हो गए। अब इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि ना सिर्फ ये आपका खाना वगैरह प्रदान करता है, रॉ मटेरियल प्रदान करता है इंडस्ट्रीज को, बल्कि 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के हिसाब से 56.6% जो है वो आपके इस क्षेत्र में संलग्न है, तो उनको भी तो आजीविका प्रदान कर रहा है, वो रोजगार भी तो प्रदान कर रहा है। और जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जो कंडक्ट किया गया आपका एनएसओ के द्वारा 2018-19 में, उसमें जो बताया जा रहा है कि लेबर फोर्स जो इस सेक्टर में जो आपका इंडल्ज है वो 51.82 करोड़ है, बहुत बड़ा डेटा है ये आपका, ठीक है। इसके बाद टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी भारत में लगातार बढ़ा है, वो देख जाइएगा आपका। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है और इंपोर्टर है दालों का, ठीक है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में, वीट में, शुगर केन में, कॉटन में, ग्राउंडनट में। इंडिया इमर्ज हुआ है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में फ्रूट और वेजिटेबल्स में चाइना के बाद। चाइना हर जगह जो है आपको टॉप करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। इसके बाद हम ना केवल इस क्षेत्र में सेल्फ सफिशियंट है फूड के लिए, बल्कि नेट एक्सपोर्टर के रूप में भी हम डेवलप हो रहे हैं, और यहां पर भी हमारी पूरे वर्ल्ड में 7th रैंक है। अब वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, तो भैया सीधी बात कि अगर हम देखें तो कृषि और जो आपका संबद्ध क्षेत्र है, भारत जैसे जो आपके विकासशील देश है उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है, तो यहां पर जो आपकी असमानता है या असमान विकास बोल सकते हैं उसको, तो उसको खत्म करना, वहां पर रोजगार प्रदान करना, है ना, वहां लोगों को जो है अच्छी आय प्रदान करना, जो कृषकों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये सब एड्रेस करना हमको जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट लगातार यहां पर अपना फोकस बनाए हुए है और यहां पर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना जरूरी है, वही सब चीजें यहां पर लिखी गई है, इसलिए यहां पर फोकस गवर्नमेंट का है। इसके बाद एपीएमसी की बात, अब उसी से रिलेटेड है कि भैया एपीएमसी जो है ये आपकी मंडी है, है ना, आपको पता है पहले का एक्ट है, इसी को एड्रेस करने के लिए यहां पर मिडिलमैन वगैरह बहुत ज्यादा कार्टेलिंग करते थे, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया गया, ई नैम वगैरह लाया गया। लेकिन यहां एपीएमसी के बारे में कि जो रूरल हार्ट्स वगैरह होते हैं गांव वगैरह में, जिनको मिनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है मनरेगा के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 1351 विलेज हार्ट्स को डेवलप किया गया, 1632 और डेवलप किए जा रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है वो, ठीक। अब 31 मार्च 2020 का डेटा बता रहे हैं कि 6845 जो है इस तरीके की जो कमिटीज हैं पूरे, कहां पर, पूरे देश में। अब यहां पर होता क्या होगा, तो सीधी बात है कि भैया यहां पर क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको वहां पर विपणन किया जाता है, ठीक। अब उसी के हिसाब से इसको बनाया गया होगा, ठीक है। अब क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, आप सीधे सीधे देखिए कि यहां पर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि यहां पर बिचौलियों को खत्म किया जाए ताकि कृषकों को उचित मूल्य मिले, वेयर हाउसेस बनाओ आप। अब ये लिंकेज आ गया है ना, लिंकेज आ गया कि नहीं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज को डेवलप करो, ठीक है, ताकि जो फार्मर और मार्केट का जो लिंकेजेस है वहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इंप्रूवमेंट ला सके, ठीक। अब ग्राम हाट और जो आपके ये झोपड़िया वगैरह जो शैंटीज लिखा गया है, ये आपकी क्या है, तो ये हाट वगैरह होता है जो साप्ताहिक रूप से लगता है वहां पर गांव में,
ठीक है, तो मतलब साप्ताहिक लगता है या दो बार लगता है, इस तरीके के छोटे छोटे जो बाजार हैं वो लगते हैं, तो उन्हीं को अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये सीधा फार्मर्स को, और वो कैसे फार्मर्स, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, है ना, जो लघु सूक्ष्म और सीमांत जो आपके कृषक हैं, इनके परसेंटेज की बात करेंगे तो 86% हमारे यहाँ जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ठीक है ना, तो ये आप देख जाइएगा, ठीक, इसके बाद जो है उन्हीं को जो है एड्रेस करना है, इसलिए इस तरीके की जो हार्ट को जो है जो जो छोटे छोटे बाजार हैं उनको इस तरीके की कमिटीज में क्या किया जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। अब यहां पर जो है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर, सीधी बात है ये सारी समस्याएं पहले की है, मैंने बोला टॉपिक कोई भी हो समस्याएं लगातार जो है वही चली आ रही है, उसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती, पुरानी चीजें खत्म नहीं होती। इम्प्रॉपर वेयर हाउस जो है यहाँ पर, है ना, मतलब अब वेयर हाउसेस की जो है वो अपर्याप्तता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लैक है कि नहीं है, ठीक है। अब वहां पर जो अनसाइंटिफिक मेथड्स होंगे स्टोरेज के, ठीक है, तो वहां पर वेस्टेज होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा ना, तो जो आपके उत्पादन के बाद जो आपका वेस्टेज है भारत में उसका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज जो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक आपने स्कीम का नाम सुना होगा फूड मेगा पार्क, मेगा फूड पार्क स्कीम 2008 की, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो हब एंड स्पोक मॉडल है, वहां पर जो है प्राइमरी लेवल पे ही ग्रेडिंग वगैरह की बात की जाती है, तो ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ही होता है, तो जो वैरायटी होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो आपके अगर ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन ही होगा उसका ढंग से, तो उसका मूल्य कैसे उचित मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी लैक करती हैं, लार्ज नंबर ऑफ मिडिल मैन है, ये सबसे बड़ी समस्या है, है ना, और जो आपके अनरेगुलेटेड मार्केट है वहां पर माल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि अब 10 लोग खरीदने वाले हैं, बेचारा किसान पहुंचा, अब उन्होंने बोल दिया भैया हम 2 ही रुपए किलो लेंगे आपका टमाटर जो है 50 पैसे के हिसाब से लेंगे पर केजी के, उसको बेचना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है क्योंकि वो लेके आया, लेके वापस नहीं जा सकता, उसका पैसा लगा, उसका इनपुट लगा है, उसको अगर क्रेडिट नहीं मिली है तो वो कहीं पर सूद खोर से पैसा लेके आया है, तो गरीबी और ऋण के दुष्चक्र में भी फंस रहा है वो, तो उसकी मजबूरी हो जाती, कार्टेलिंग के कारण उसको वहां पर बेचना पड़ता है, ठीक, और उसका फायदा पूरा मिडिल मैन उठाते हैं, 2 रुपए की चीज 60 रुपए में मिलती है, तो जो फाइनल जो आपके कंज्यूमर है, जैसे हम लोग अगर खरीद रहे हैं तो हमको भी उतनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति ने उगाया उसको भी उतना पैसा नहीं मिल रहा, तो बीच के दलाल वो पैसा ले गए, मैक्सिमम जगह आप इंडिया में ये समस्या देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर अवेयरनेस नहीं होती है किसानों को, ठीक है, तो बेचारे वो अपने उनका सशक्तिकरण नहीं होता, अधिकारों के बारे में जागरूकता नहीं होती, तो वो इससे ग्रस्त रहते हैं, ठीक है ना, और अपर्याप्त बाजार की जानकारी वगैरह उसी के अंतर्गत है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है एपीएमसी के बारे में, तो ये भैया सबसे बड़ी इसमें समस्या ये है कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आप देखते हैं सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट, तो ये स्टेट लिस्ट का, तो हर स्टेट में अलग अलग नियम है, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से उसको रेगुलेट किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि एक रूपता नहीं है, तो हर जगह अलग अलग टाइप का शोषण है। ये जो एपीएमसी है 2 प्रिंसिपल पे काम करता है, पहला तो ये कि बिचौलियों को खत्म करना था, और जो मनी लेंडर्स थे जो कंपेल कर रहे थे फार्मर्स को, मतलब डू नॉट कंपेल फार्मर्स, कहने का मतलब ये है, ऐसे समझिए कि जो साहूकार थे वो किसानों का शोषण करते थे कि बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करते थे उनको अपनी उपज, है ना, बिचौलिया भी यही करता है और वो भी यही करते, तो उसको जो है खत्म करने के लिए लाया गया था, लेकिन इसका कोई इंपैक्ट नहीं देखा गया, तभी तो ईनाम की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ी समस्या जो सिद्धांत है यहाँ पर वो ये भी था कि इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है, लेकिन उसको वो एड्रेस नहीं कर पाया अप्रोप्रिएट मैनर में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको आप सबसे पहले मार्केट में लाएंगे, वहीं से आप जो है बेच सकते हैं, वहीं नीलाम के माध्यम से बेचा जाता है, ठीक है ना, तो ये इसकी जो है प्रिंसिपल थे। अब साइलेंट फीचर्स बताए जा रहे हैं, तो सीधी बात है ज्योग्राफिकल जो डिवीजन किया गया है, मंडी जो है वो डिफरेंट प्लेसेस में स्टेट्स में जो है एस्टैब्लिश किया जाता है, इसके बाद फार्मर्स वहीं जाके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बेचते हैं, उसके बाद मंडी जो है ऑपरेटिव होती है, लेकिन जो ट्रेडर होगा वहां पर उसको लाइसेंस लेना होता है। अब इस लाइसेंस को लेने के लिए भी ज्यादा पैसा देते हैं, तो फिर वो वहां से अपने निवेश जो उन्होंने पैसा लगाया लाइसेंस लेने के लिए, तो उसके लिए भी तो ज्यादा शोषण करते हैं, किसानों से ज्यादा आय इनको चाहिए होती है, ठीक है ना, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी जो कंपनी है या रिटेल ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ से फार्मर्स से नहीं खरीद सकते, उनको जो है मंडी के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, ये कंपल्शन हो जाता है वहां पर। अब इशू क्या है, तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो है इसने एपीएमसी एक्ट ने सीधे सीधे कृषि के विकास में ऋणात्मक प्रभाव डाला है, है ना, डिफरेंट मैनर्स में बहुत सारे आपके एस्पेक्ट्स हैं। पहला फ्रेगमेंटेड मार्केट है, एकीकृत कोई आयाम नहीं है वहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो उत्पादक द्वारा जो प्राप्त और उपभोक्ता द्वारा जो भुगतान की गई जो
कीमत है उसमें काफी अंतर होता है, मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। उसके बाद लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए काफी सारा पैसा खर्च करते हैं ये लोग, तो उसके बिहाफ पे फिर उनको आउटपुट भी चाहिए होता है, तो वो फिर अल्टीमेटली किसानों का शोषण करते हैं, उपभोक्ताओं का भी शोषण होता है इसमें। इसके बाद यहाँ पर मिडिल मैन के द्वारा कार्टेलिंग की जाती है और एक्सप्लाइटेशन किया जाता है। कार्टेलिंग का मतलब समझ रहे ना, कि 10 लोग है खरीदने वाले, 10 के 10 लोग बोलिए कि भैया 2 रुपए ज्यादा दे नहीं है, अब जाएगा कहां आदमी, विकल्प ही नहीं है, है ना। ई रैम में यही है कि आदमी ऑनलाइन बैठा और वहां पर ग्रेडिंग करा के स्टोरेज करा के चला गया, उसको एक रास्ते मिल गए। अब अगर मान लीजिए यूपी का फार्मर है, उसको चेन्नई में अच्छा रेट मिल रहा है, तो उपलब्ध विकल्पों की जब आपकी संख्या सीमित नहीं ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर बार्गेनिंग जो पावर है वो बढ़ जाती है किसकी, किसानों की, उसको एड्रेस वहां पर किया गया है। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट में भी डिलेड वगैरह देखा जाता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके कारण पोस्ट हार्वेस्ट लॉस देखा जाता है, अभी भी देखा जाता है हमारे यहाँ भारत में 18-40% जो है यहाँ पर लॉस है, कितना बड़ा लॉस है ये आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है सॉल्यूशन क्या है, तो भैया मिडिल मैन को खत्म कर दो, मार्केट फी और कमीशन चार्ज का रैशनलाइजेशन कर दो, ई ट्रेडिंग चालू करो, क्यों ई ट्रेडिंग, ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसके बाद डीरेगुलेट करो पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब जो खराब हो जाते हैं, है ना, जो फूड्स आपके खराब हो जाते हैं। इसके बाद मार्केट में जो है निजी सेक्टर, निजी क्षेत्रों में भी बाजार स्थापित करने के लिए सॉल्यूशन बता रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का टॉपिक है, नेशनल रेल प्लान है इंडिया का 2030 का, इंडिया रेलवे ने प्रिपेयर किया नेशनल रेल प्लान इंडिया 2030, और ये आपका फ्यूचर के लिए है, रेलवे सिस्टम के लिए फ्यूचर रेडी है ना, जो क्रिएट करेगा फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030 है ना। अब यहाँ पर जो है हमारे यहाँ इतिहास काफी लंबा है, 1853 से स्टार्ट होता है, 150 ईयर ओल्ड है, वाइटल रोल है इसका, कैसे है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे यात्री भी यात्रा करते हैं, लोग पहुंच पाते हैं, परिवहन की सुविधा। उसके बाद फ्रेट के एस्पेक्ट से देखेंगे तो मालवाहक के संदर्भ में देखेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल है ना, और पूरे विश्व में लार्जेस्ट जो रेल नेटवर्क है उसमें से एक है भारत, यहाँ पर 23 मिलियन पैसेंजर्स जो है एवरी डे ट्रैवल करते हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत सारे लोगों को मिला है, 1.4 मिलियन पीपल। इसलिए ये बताया जा रहा है क्योंकि यहां पर इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट का फोकस हमको बताना है, इसलिए ये हमने यहां पर तर्क देके प्रबल बना दिया है ना अपने तर्क को। अब यहां पर उद्देश्य क्या है इसका नेशनल रेल प्लान का, तो सीधी बात है जो मॉडल शेयर है रेलवे का फ्रेट में, वहां पर 45% का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है ना, उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी को भी बढ़ाना है वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जो 2050 तक मान लीजिए कि डिमांड में जो है काफी वृद्धि हो जाएगी, तो ठीक है ना, माल ढुलाई में भी और पैसेंजर्स दोनों के संदर्भ में बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से हमको कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है ना, उस लिए लाया गया। उसके बाद यहां पर इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है ट्रिपल पी जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब सीधी बात है ग्रोथ इंजन के रूप में काम करता है ये नेशन के, ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो आपकी यहां पर जो जिस तरीके के विकास की जो अपेक्षा अपेक्षित जो विकास है उसको विकास करने का काम किसका, गवर्नमेंट का, इसलिए वो जो है वहां पर जो लगातार फोकस बनाई जा रही है और इस तरीके की स्कीम्स को लाया जा रहा है ताकि यहां पर और ज्यादा जो है समय के संदर्भ में इसको मॉडर्न किया जा सके और इसकी भी प्रोडक्टिविटी को इस सेक्टर की बढ़ाई जा सके। सीधी बात है मॉडर्नाइजेशन करना है वहां पर, ठीक है, ग्रीन एनर्जी वगैरह का भी यूज करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। अब इसकी विशेषताएं क्या है, तो भैया यहां पर वही चीज बताया जा रहा है कि रेलवे में जो आपका फ्रेट का जो आपका वहां पर जो इंक्रीमेंट करना है हमको प्रोडक्टिविटी 45% जो है यहां पर बढ़ाना है। उसके बाद जो है यहां पर अब टाइम और पैसा दोनों जगह जो है हमको कि वायबिलिटी कैसे देखेंगे आपकी, जो कोई सामान किसी जगह से किसी जगह तक पहुंच रहा है कम टाइम पे पहुंचेगा और कम पैसे में पहुंचेगा तो अल्टीमेटली फायदा होगा ना सबको, कंज्यूमर को भी, बायर को भी, सेलर को भी, सबको होगा, ठीक है। तो यहां पर जो है इंक्रीज किया जाएगा एवरेज स्पीड को जो फ्रेट ट्रेन है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। इसके बाद जो विजन है 2024 का जिसके अंतर्गत लॉन्च किया गया है एक्सेलरेटेड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है, मल्टी ट्रैकिंग किया जा रहा है कंजेस्टेड रूट्स का, अपग्रेडेशन किया जा रहा है स्पीड का 160 किलोमीटर पर आवर तक जो है दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट्स में। यहां पर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका है ना, और गोल्डन जो आपका डायगोनल रूट है जिसको विकर्ण रूट बोला जा रहा है ना, उसमें जो है एलिमिनेशन करना है ऑल लेवल क्रॉसिंग का, ठीक है ना। ठीक, यहां पर देखिए दो चीजें हैं, यहां पर जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो आपका क्षेत्र है ना, ये काफी पुराना भी है, तो स्वर्णिम जो है आपका चतुर्भुज है, स्वर्ण विकर्ण मार्ग, वहां पर गति को भी बढ़ाना है 130 किलोमीटर पर घंटे तक। उसके बाद जो ये मार्ग है यहां पर सभी जो आपके मैंग लेवल क्रॉसिंग थी
है ना, जो आपकी रेलवे क्रॉसिंग वगैरह उसको भी खत्म करना है ना, ये काफी पुराना भी है। और इसके बाद यहाँ पर न्यू जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है उनको बढ़ाना है। उसके बाद न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स का डेवलपमेंट लगातार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन 100% करना है, इससे ग्रीन एनर्जी का हम यूज करेंगे तो जो हमारा पेरिस क्लाइमेट डील के अंतर्गत INDC के लक्ष्य उसको भी प्राप्त कर सकेंगे, है ना। तो और उसके बाद यहाँ पर जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाना है, और ऑपरेशन में भी ओनरशिप में भी, ठीक है ना, ये भी बात किया जा रहा है, निरंतर भागीदारी को उसको बढ़ाना है ना, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का भी डेवलपमेंट किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है वो आपका रिलेटेड है MCQ से। तो पहला जो यहाँ पर MCQ है ये पॉलिटी से रिलेटेड, इसको बताना कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 15 मैं बार बार बोलता हूँ, RRCSP इस ग्राउंड पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब क्या है आपका, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। 21 जो है राइट टू लाइफ है आपका, है ना, पर्सनल लिबर्टी के साथ मानिका गांधी के केस के बाद इसका एस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा है 1978 के बाद, ये भी ठीक है। आर्टिकल 25 जो है आपका, ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये भी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, जो चारों के चारों जो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है भाई साहब, नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यह आपका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसके बारे में यहां पर क्या करना है हमको, स्टेटमेंट दिए गए बताना है कौन सा सही है। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है, इसमें पूछ बताया जा रहा है कि ये आपका इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, किसके बीच में, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। बताइए ये कोई और एक्सरसाइज वगैरह से भी जुड़ा हुआ है क्या, उसका भी नाम बताइएगा। उसके बाद ये जो आइडिया है ये आपका पहली बार जो लाया गया था किसके द्वारा, तो शिंजो आबे जो थे आपके जापानीज प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है 2007 से। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।